हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मोदक। गणपति जी के फेवरेट। और इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया, आधा कप चीनी लिया और 1/4 कप घी लिया, और 1/4 के कप भी मैंने दूध लिया है। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे, और अभी हम इसको गैस पर नहीं रखेंगे, पहले हम नीचे मिक्स कर लेंगे इसको गैस से। कढ़ाई को यहीं पे रखा हुआ हमने, हम इन सबको पहले गैस पे रख देंगे तो उससे हमारे इसमें गांठे पड़ जाएंगी, हमारे मिल्क पाउडर में गांठे पड़ जाएंगे, लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको नीचे मिक्स करेंगे। ये वैसे आप खोए से भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ क्योंकि अभी हम खोआ नहीं लेके आ रहे बाहर से। बाहर का खोआ कितना केमिकल वाला होता है, और ये मिल्क पाउडर प्योर मिल्क से ही बना होता है। कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मिल्क पाउडर क्या हम फास्ट में खा सकते हैं, फास्ट में यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, ये प्योर दूध से ही बना होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिल्क पाउडर का ही बनाऊंगी, आप प्लीज जरूर देखना। अब बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा नया वीडियो देख सकें जो मैं मिल्क पाउडर का डालूंगी। तो ये देखिए, हम यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं जिससे कि इसके अंदर कोई कांटे ना रहे। तो देखिए, दूध आप थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दूध लगता है तो ऐसा नहीं है कि हम 1/4 कप इसमें दूध डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, ये देखिए मेरा भी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सूखा लग रहा है मुझे अभी, तो मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेटते रहे, अच्छे से चलाते रहे, इसको मिक्स करते रहे बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करते रहे और थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ये बैटर, वैसे हमें बहुत लिक्विड ही नहीं करना इसको, क्योंकि जब हम इसको गैस पे रखेंगे और उसके अंदर चीनी मिक्स करेंगे तो चीनी जैसे गर्म होती है वो मेल्ट होती है, तो ये थोड़ा लिक्विड ही वैसे हो जाता है। इसीलिए हम इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड ही नहीं करेंगे, बस इसका थोड़ा थिक सा ही बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे पर मेरे को थोड़ा दूध ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे देख रहे हो, मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। ये गणपति जी के बहुत ही फेवरेट होते हैं मोदक, और ये शुभ भी होते हैं, इनको जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें गणपति जी के स्वागत के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे चीनी लिया, आधा कप चीनी आप कोई भी टाइप की ले सकते हैं, आप बूरा भी ले सकते हैं, पीसी चीनी भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप की ले सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब उसमें अब ये घी भी ऐड कर लें। सारी चीजें हमने देखा आपने कि यहाँ पे मैंने नीचे मिक्स कर लिया गैस से, गैस पे नहीं रखा अभी इसको। कई लोग इनको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट बनाते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा इनका ना ब्राउन कलर थोड़ा पसंद है, वो थोड़ा भुना हुआ सा लगता है इसको, ऐसे कच्चा कच्चा लगता है मेरे को थोड़ा व्हाइट। अगर आपको व्हाइट पसंद है तो आप थोड़ा जल्दी उतार ले इसको गैस पर से, थोड़ा ज्यादा ना पकाए, मेरे को थोड़ा सा ब्राउन पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पका लूंगी। अभी आप देख सकते हैं ये पहले से काफी लिक्विड ही लग रहा है क्योंकि हमने गैस ऑन कर दी और यहाँ पे हमने फ्लेम को भी लो ही रखा है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा, थोड़ी सी गैस आप बढ़ा सकते हैं हल्की सी, और इसको कंटिन्यूअसली आप मिक्स करते रहें जिससे कि नीचे ना लग जाए। आप मोटे तले वाली कढ़ाई लें या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई लें जिससे नीचे ना लगे ये बिल्कुल। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये भुन जाएगा, जैसे हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा देर पकाने की भी जरूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट पका लें आप अगर आपको ऐसा लगता है। ये तो बहुत ही कम पकाना है इसको, और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहें। जैसे जैसे ये हो जाएगा ये कढ़ाई के किनारे छोड़ देगा, और मैंने इसको ठंडा कर लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और काफी थिक हो चुका है, और मैं इसको आप देख सकते हैं इसका थोड़ा ब्राउन सा कलर हो गया, व्हाइट कलर नहीं है बिल्कुल। अगर आपको व्हाइट चाहिए तो आप थोड़ा सा पहले बंद कर लें, ज्यादा ना पकाएं। ये बिल्कुल पेड़े वाला टेक्सचर हो गया इसका, एकदम जैसे मथुरा के पेड़े आपने खाए होंगे बिल्कुल वैसे हो गया। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे हम 4 बोल लेंगे। ये हमने मैंने इक्वल इक्वल ले लिया, 4 पार्ट कर लिए इसके।
और एक पार्ट में से इसमें से कम चार मोदक बन जाएंगे। और हाँ एक बात और है, कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि मैम मोल्ड में तो सब मोदक बनाते हैं, आप बिना मोल्ड वाले मोदक हमें बताइए कैसे बनते हैं, उनकी शेप तो हमें नहीं आती बनानी बिना मोल्ड वाले मोदक की। तो मैं यहाँ पे बिना मोल्ड के मोदक बना के दिखा रही हूँ आपको, और वो भी चार फ्लेवर में। तो देखिए मैंने पहला फ्लेवर, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये बिल्कुल सिंपल फ्लेवर है, कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना इसमें, इलायची फ्लेवर है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो घर में जो इलायची होती है आप उनका छिलका हटा के उनके बीज को क्रश कर लें थोड़ा सा और उसको मिक्स कर दें अच्छे से। तो मैंने देखिए वैसे ही किया है, मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला इसमें, ये दिखाने के लिए बिल्कुल कि आप घरेलू इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं इसको। मैंने इलायची के दानों को क्रश कर लिया, अब इसमें से चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और इसका टेक्सचर कलर बिल्कुल टेस्ट एकदम वैसे ही लगने वाला है जैसे मथुरा के पेड़े लगते हैं, और मोदक हमारे बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं, गणपति जी खुश हो जाएंगे आप ऐसे मोदक बनाओगे तो। देखिए इसको ऐसे राउंड शेप देते, इसको इस तरह से जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको राउंड शेप दे दे। देखिए बिल्कुल एकदम राउंड बॉल बन गई है, और इसको थोड़ा सा नीचे से ओवल शेप दे दे इस तरह से। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैं आपको बिना मोल्ड के बना के दिखा रही हूँ। पहले भी मैंने बनाया है मोल्ड में, ये देखिए आप एक कांटा ले ले, इससे इसको इस तरह से डिजाइन दे बना दे इस पर। ये देखिए कितना झटपट बन गया है ना, और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा कि जैसे हमने बिना मोल्ड के बनाया है इसको। इसी तरह से हमने ये चारों मोदक रेडी कर लिए, एक फ्लेवर के इलायची फ्लेवर के। अब हम अपने दूसरे फ्लेवर के मोदक रेडी करेंगे, तो इसमें हम कौन सा फ्लेवर डालने वाले हैं मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए केसर फ्लेवर के बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने एक केसर के धागों को थोड़ा सा दूध में भिगा के रख दिया था, थोड़े से गर्म दूध में। इसको मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ज्यादा नहीं डाला इसके अंदर, इसका कलर ऑलरेडी थोड़ा सा ब्राउन हो रखा, और ये ज्यादा मैं दूध का पूरा डाल दूंगी इसके अंदर केसर, ये थोड़े लिक्विड ही ना हो जाए इसलिए मैंने ज्यादा नहीं डाला, पर इसका फ्लेवर पूरा आने वाला है केसर का। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर लें। ये सारे फ्लेवर के मोदक गणपति जी को बहुत ही प्रिय हैं, और ये शुभ भी हैं, और ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में। बिल्कुल उसी तरह से इसको राउंड राउंड कर लें हाथों से, हाथों के बीच में रख के जैसे हम आटे को करते हैं बिल्कुल वैसे ही, पर इसके अंदर हम कुछ फिलिंग करेंगे। किस चीज की फिलिंग करेंगे हम इसके अंदर, हम इसमें थोड़े से पिस्ता लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता को क्रश कर लिया, और इसको बिल्कुल वैसे ही फिल करेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं, जैसे हम स्टफ्ड पराठा बनाते हैं आलू का या गोभी का। फिर इसको फिर से राउंड राउंड कर लेंगे, थोड़ी सी ओवल शेप दे देंगे नीचे से। देखिए कांटे से वैसे डिजाइन बना देना इस पे, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है एकदम।
कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम मोल्ड से तो हर कोई मोदक बना लेता है, पर हमें बिना मोल्ड के बताओ, बिना मोल्ड के कैसा डिजाइन आता है उन पे, वो मोदक का वो डिजाइन नहीं पता चलता हमें। तो देखिए ये बिल्कुल लग रहे हैं ना मोल्ड जैसे। अब हमारा तीसरा फ्लेवर, तीसरा कौन सा फ्लेवर होगा हमारा? ये रोज के फ्लेवर वाला होगा। रोज सिरप है मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपके पास रोज सिरप नहीं है रोज वाटर डाल सकते हैं आप इसमें, थोड़ा सा कलर के लिए आप थोड़ा फूड कलर डाल सकते हैं इसमें, फूड रेड कलर। अगर फूड रेड कलर भी नहीं है आपके पास तो बीट रूट का थोड़ा सा जूस डाल लें आप, उससे भी इसमें कलर आ जाएगा, बहुत अच्छा रेड कलर आ जाएगा उससे भी इसमें। और थोड़ा सा रोज सिरप डाल लें इसमें, रोज वाटर डालने सॉरी। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। सभी अलग फ्लेवर के और सभी बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। बहुत ज्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं आपको। देखिए मैंने चार चार ही बनाए हैं सारे फ्लेवर के, मोदक फटाफट बन जाते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें, झटपट बनने वाला, इंस्टेंट खोआ एकदम फटाफट बन गया, फटाफट बन के रेडी हो गया घर पे। बाहर से अगर आप नहीं लाना चाह रहे, नहीं खाना चाह रहे बाहर का खोआ, तो आप फटाफट बना सकते हैं घर पे। और इसी तरह से हम इसको भी ले लेंगे। इसको भी मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, सब में से चार चार बनने वाले हैं। तो देखिए इसमें इसमें हम किस चीज की फिलिंग करेंगे। इसमें करेंगे हम गुलकंद की फिलिंग और ये भी बहुत टेस्टी लगने वाला है। देखिए गुलकंद है, मैंने इसमें गुलकंद रख लिया और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बंद कर देंगे, उसी तरह से जैसे हम पराठा बनाते हैं, स्टफ्ड पराठा। ये नीचे से निकल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रोल रोल कर ले हाथों से, थोड़ा से कर ले, प्लेन हो जाता है ये। देखिए कितना अच्छा सा शाइनिंग वाला बन रहा है एकदम, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है। तो भी हम उसको रब कर रहे हैं जैसे हाथों से, तो घी थोड़ा रिलीज हो रहा है, घी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है अलग से हमें बिल्कुल भी। और बिल्कुल अच्छे से हमारे मोदक तैयार हो रहे हैं बनके। शेप दे दे कांटे से, देखिए हमारे तीन फ्लेवर के मोदक बनके रेडी हो गए। अभी शायद कलर से आपको इतना पता ना चल रहा हो, बट जब खाएंगे तो उनका टेस्ट एकदम अलग लगेगा, सबका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा। और ये चौथा और लास्ट फ्लेवर कौन सा बनाने वाली हूँ, ये बच्चों का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। ये मैंने कोको पाउडर डाला है इसमें, ये मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। वही कि मैंने दूध में नहीं मिक्स करा, क्योंकि मैं मेरे को लगता है कहीं थोड़ा लिक्विड ही ना हो जाए ये पेस्ट मिश्रण जो हमारा है, ये फिर मोदक बनने में थोड़ा मुश्किल ना है, इसलिए मैंने पाउडर ही डाल दिया है। और ये भी बहुत टेस्टी लगने वाले, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं ये चॉकलेट फ्लेवर। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है ये चॉकलेट फ्लेवर के मोदक। तो देखिए आ गया ना चॉकलेट का कलर इसमें, इसको बस ऐसे ही मिक्स कर लें अच्छे से। और अब हम इसको भी रोल रोल कर लेंगे, इसमें कोई फिलिंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो चॉकलेट है, ये वैसे ही बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत यम्मी लगने वाला है और बच्चे इसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं, फटाफट फिनिश होने वाला है।
इसको भी इसी तरह से शेप दे ले। फोक से इस पे इसी तरह से डिजाइन बना ले जैसे हमने बाकी सब पे भी बनाया था। बहुत ही आसान है ये बनाना, आप इसको जरूर ट्राई करना घर पे। तो देखिए हमारे चार फ्लेवर के मोदक बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स हमारे चार फ्लेवर के मोदक बनके रेडी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।